एक इसमें थोड़ा सा अगर ओपन करके बताऊं तो ये है फोरवे का लोवर, और फोरवे का लोवर की पहचान बता दूं, जब भी फोरवे जो लोवर आता है उसको चारों तरफ से फैला हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इस तरीके से, देखिए आपको ये काफी बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग सिलाई दिखा दीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से आपको, और देख लो कि यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन देखिए अंदर डालेंगे, देखिए पूरा ढक गया, देखिए बिल्कुल इसमें अंदर आ गया ना, तो मतलब उस साइज को देखते हुए बनाया जाता है। देखिए ये पॉकेट, देखिए आपको इसके अंदर अगर डालते हैं, सब तो पुराना मॉडल उसका, देखिए पूरा ढक गया ना, इसे बोला जाता है एनएस का लोवर। अच्छा, ये एनएस का लोवर आपको मिल जाता है, देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पट्टी आपको देखिए तीन पट्टी में बना हुआ है, कैमरे थोड़ा पास से देखिए, देखिए सिलाई जैसा पूरे पक्की सिलाई के साथ मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ डिजिटल प्रिंट करके आपको देखने को मिल जाए, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा फुल प्रिंट इस डिजिटल में बना रहता है। बाकी देख सकते हैं खासकर क्रिकेट का देखेंगे आप, बहुत ज्यादा लोग ऐसा ड्रेस बनवाते हैं, ये फुल डिजिटल प्रिंट है। कुछ लोग समझ में किसी कलर का कपड़ा रहता है, लेकिन नहीं, कपड़ा आपको सीधा व्हाइट सफेद कपड़ा हम लोग फुल डिजिटल प्रिंट करते हैं, और इस प्रिंट की पूरी गारंटी रहती है। आपको जो स्कूल का लोगो नाम सब कुछ रहेगा, सब हम लोग बना करके देंगे आपको बाहर जाने के भटकने की, यानी कि हमको यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, ये सब हाँ, क्रिएट कर दिया जाएगा। जी जी, कोऑर्डिनेट फैब्रिक में इस तरीके से चाहते हैं तब यह मिल जाएगा, देखिए काफी बेहतरीन तरीके से ये सब 100 के आसपास हमारे यहाँ बन करके रेडी मिल जाता है आपको। अच्छे कपड़े क्या लोग ज्यादातर स्वेटर बनाते हैं और ब्लेजर बनता है, तभी देखिए स्वेटर का और ब्लेजर हमारे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से ये धागा है, देखिए ये जो धागा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं जी, तो धागा होने के बाद इसमें क्या होता है, ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे रोल आता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और इस तरीके से पल्ला बनाने के बाद देख सकते हैं आपको बकायदा बन करके रेडी, यानी कि फ्रंट और बैक साइड हाँ, इसी सारा कुछ है ना तरीके से किया जाता है। इसमें कौन कौन सा साइज हम लोग बनाते हैं स्वेटर में? साइज देखिए 24 नंबर से लेकर के 42 तक जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट लोगों का रहता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोग को लेकर आ गया हूँ यूपी के गोरखपुर के गीडा में, जहाँ पर आप सभी लोग को लोवर टी शर्ट और आप लोग का स्वेटर वगैरह हो गया, स्पोर्ट का जो भी आइटम हो गया, यहाँ पर खुद बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग का जो सैंपल है स्वेटर का, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। हम लोग का दीपावली का जो भी टी शर्ट वगैरह होता है, चुनाव वगैरह का, सब कुछ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देख पा रहे हैं जो भैया है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंटिंग करके बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जो सैंपल है तैयार करके रखा गया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपना खुद का रोजगार शुरू करना तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग का जो स्वेटर बनाने की मशीन होता है मैन्युअली, यहाँ पर जो एक हमारे अंकल जी हैं काम कर रहे हैं मैन्युअली हाथों से, यहाँ पर देख पा रहे हैं धागा वगैरह हम लोग का कुछ इस प्रकार से सेटअप कर दिया गया है, और कुछ इस प्रकार से हम लोग का जो स्वेटर है देख पा रहे हैं बन के निकल रहा है, और यहाँ पर फोल्डिंग वगैरह किया जा रहा है, फिटिंग वगैरह किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग जैसे ही यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग का जो स्वेटर में जो ऑटोमेटिक मशीन होता है देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ के जो सर हैं नंदलाल जी, उनसे मिलते हैं, सब डिटेल में जानते हैं, बात करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं इनसे जुड़ना तो कैसे जुड़ सकते हैं। इनके यहाँ जो लोवर टी शर्ट और स्वेटर वगैरह है जो मिनिमम मैक्सिमम क्या प्राइस रहने वाला है। नंदलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। अभी हम लोग गोरखपुर के गीडा में कहाँ पर मौजूद है? गोरखपुर गीडा में जो है पिपरौली है ना, उसी के पास है। जैसे बोक्ता चौरा पा पाएंगे तो वहाँ से पिपरौली की तरफ रोड निकला हुआ 2 किलोमीटर पे जी। तो पिपरौली जो ब्लॉक है, जो थाना गीडा, वहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आपको रिसीव कर लिया जाता है। अच्छा, और हम और जो फर्म का नाम क्या रहने, बी आर इंटरप्राइज। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग जैसे ही बी आर इंटरप्राइज में बीट करेंगे तो आप लोग को इनके यहाँ जो फैक्ट्री है देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं तो किस किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है? देखिए यहाँ पे लोवर टी शर्ट, रनिंग किट, हाफ निकर, स्पोर्ट के सारे कलेक्शन बनाए जाते हैं। अभी खास करके देखिए स्कूल यूनिफॉर्म के सारे चीज बनाए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा ज्यादा बातें ना करते, कलेक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अभी हम लोग एक मशीन देख रहे हैं, तो इससे हम लोग कौन सा जो है बनाते, क्या बनाते हैं? अब देखिए सर, आपको पता है ठंडी का सीजन आता है, ठंडी के सीजन में क्या लोग ज्यादातर स्वेटर बनाते हैं और ब्लेजर बनता है। तभी देखिए स्वेटर का और ब्लेजर हमारे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से ये धागा है, देखिए ये जो धागा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं जी। तो धागा होने के बाद इसमें क्या होता है, ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे रोल आता, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और इस तरीके से पल्ला बनाने के बाद देख सकते हैं आपको बकायदा बन करके रेडी, यानी कि फ्रंट और बैक साइड हाँ, इसी सारा कुछ है ना जी। यहाँ देखिए आटा पे पल्ला बनकर इस तरीके से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद क्या किया था, हम लोग बीच में चेक करते हैं, कोई भी जैसे धागा टूट जाता है, अच्छा होल बन जाता है, तो उसको फिर मैनुअल तरीके से किया जाता है। इसमें कौन कौन सा साइज हम लोग बनाते हैं स्वेटर में? साइज देखिए 24 नंबर से लेकर के 42 तक जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट लोगों का रहता है। आगे देख सकते हैं, खास करके अभी देखिए दिवाली का सीजन है, हमारे कुछ लोग ऑर्डर था, जैसे मेरा खुद का ऑर्डर है, तो दिवाली का इस तरीके से आप टी शर्ट भी बनवा सकते हैं। ये फ्रंट का है, और वहाँ दिखाइएगा श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति ग्राम निवास, ये बैक का आपको मिल जाता है देखने को, यानी कि वो सब हम लोग का दीपावली का जो भी टी शर्ट वगैरह जी जी पूजा या लक्ष्मी पूजा में हम लोग बांटते हैं वो सब रहने वाला है ना। अच्छा अच्छा,
जी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो एक ऑटोमेटिक मशीन देखने को मिलता है, हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीन आपको देखने को मिल जा रही है जी। और यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन का फॉर्मर क्या होता है आपको बताते चलो। तो जैसा देख पा रहे यो वो जो था मैनुअल था जी जी, खुद वो काम हाथ से करना पड़ता है। ये थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए किया, इसमें क्या होता है प्रोग्राम हम लोग पहले से डाल दिया जाता है। अच्छा, जो जो डिस्प्ले दिख रहे हैं इसको प्रोग्राम पहले से कर दिया जाता है जी जी। और जिस तरीके से हमें धागे की जरूरत, जैसा डिजाइन ऑर्डर आता है वहाँ पे, जैसे रेड कलर का हो गया, व्हाइट हो गया और ये ब्लू कलर हो गया, यानी कि जो हम लोग का सारा धागे का जो कॉम्बिनेशन होता है एक एक मतलब एक करके डिजाइन किया जाता है। जो दांत दिख रहे हैं पतले पतले दांत दिख रहे हैं थोड़ा बचा गया देखिए। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद इस तरीके से ये एक एक धागे की रोल की बुनाई कर देखिए यहाँ पे इस तरीके से पल्ला बंद करके आता है। अभी देखते डिजाइन क्या था अपना कि ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन था इस तरीके से बनाने को मिला, मतलब जैसा चाहेंगे वैसा बनवा सकते। देखिए एक मशीन ये है, एक मशीन आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सर बात करते हैं तो हम लोग का जो लोअर टी शर्ट और स्वेटर हो गया, इसमें जो स्टार्टिंग प्राइस कितने से हो जाता है? टी शर्ट की स्टैंड केवल ₹50। अच्छा, मात्र ₹50 से स्टार्टिंग हो जाता है जी। अच्छा अच्छा, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक एवरेज रहेगा, ₹50 हम क्या लेंगे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो सरकारी स्कूल का ड्रेस ₹60 पैंट ₹60 शर्ट और ₹55 का आपको आसपास में स्कर्ट मिल जाता है। सर आइए एक बार यहाँ पर हम लोग सैंपल के तौर पे क्या क्या बना रख दिया। अब जैसे जो बुना है पल्ला काट के यहाँ से रख जाता है, उसके बाद आगे चलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा प्लांट है। अभी खैर खास करके संडे का दिन तो अधिकतर कारीगर लोग नहीं आए, मैं क्लिप दे दूंगा आप उस पर लगा दीजिए। यहाँ पर जो हम लोग का मैनुअली और ऑटोमेटिक मशीन चल रहा है उसको दिखाया जा रहा है। आप लोग रिक्वेस्ट में मैं इन लोगों को बुलाया स्पेशली ताकि सीजन चल रहा है। बिल्कुल, चलिए थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको दिखाते हैं, उसके बाद सैंपल दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं इनका जो फैक्ट्री आउटलेट है आप लोग को सब कुछ घुमा के दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग का सिलाई वगैरह किया जाता है। ठीक है, और इनके यहाँ जो आप लोग का लोवर टी शर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसी फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, आप लोग को सब कुछ दिखाया जाएगा। अभी सर यहाँ पर जो कपड़ा वगैरह है ये कौन सा कपड़ा रखे हैं हम लोग? ये देखिए आपको कपड़ा खास करके अभी ठंडी का सिद्ध हुडी। अच्छा, हुडी समझ रहे ना आप, तो हुडी का बनने का देखिए ये खास कर ब्लैक है और इसके रेड कलर का, ये हरदोई का ऑर्डर है, तभी बनेगा तब इसके बाद फाइनल दिखेगा। आगे आपको दिखा देंगे स्वेटर का, देखिए कॉम्बिनेशन जैसा कि जब बताए थे ना आपको जी, जब पल्ला बन के हो जाता है पहले धागा, ये धागे के बाद बुनाई हुई, बुने पल्ला जब बन गया था तो फिर यहाँ पर सिलाई होती है। अच्छा, अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको देखिए खासकर लोगो जो लगा है, देखिए आपको बेहतरीन तरीके से लोगो भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, बाकी सारी मशीन आज बंद इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोग ज्यादा लोग आने, तो मैं सोचा कि बस अंदर थोड़ा आसानी सिलने में रहेगी। बाकी जो चलिए कुछ सैंपल आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं सैंपल एरिया में और आप लोग यहाँ पर जो सैंपल वगैरह देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से बना के स्टॉक है हम लोग का रखा गया है, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग का पैकिंग वगैरह करके रखा गया है। सर यहाँ पर कौन कौन सा जो हम लोग का सैंपल है अभी रखा गया है? जैसा कि आपने देखा कि फैक्ट्री का पूरा विजिट आपने किया, जहाँ पे आपको लोवर टी शर्ट सारा कुछ मतलब देखने को मिला। आप चलेंगे कुछ सैंपल आपको दिखा देंगे ताकि एक आइडिया लग सके हमारे भाई लोग के लिए कि क्या यहाँ पे एक्चुअल बना, बनने के बाद कैसा पीस आता है। फाइनली वैसे हम पर्टिकुलर कुछ रखे नहीं है लेकिन रेंडमली जो हमारे हाथ में आएगा आपको दिखाते चलेंगे। साइज की बात करते हैं तो साइज कौन कौन सा है? साइज देखिए नॉर्मल वेस्ट की बात करते हैं ML XL चलता है, लेकिन अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 22 नंबर से लेकर के 42-44 तक जैसा चाहेंगे वैसा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और सैंपल की बात करें देखिए यहाँ पे ये सारा देखिए आपको लोवर ही देखने को मिल रहा है, इस तरीके से बंडल का बंडल आपको लोवर बन जाता है। देखिए एक इसमें थोड़ा सा अगर ओपन करके बताऊं तो ये है फोरवे का लोवर, और फोरवे का लोवर की पहचान बता दूं, जब भी फोरवे जो लोवर आता है उसको चारों तरफ से फैलाव रहता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए इस तरीके से देखिए आपको ये काफी बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग सिलाई दिखा दीजिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको और देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। थैली वगैरह भी देखा जाता है, थैली देखिए एक थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा, लोग बोलते हैं मोबाइल जेब छोटा रहता है तो उसको शेप को देखिए ये बड़ा साइज मोबाइल, लेकिन देखिए अंदर डालेंगे देखिए पूरा ढक गया, देखिए बिल्कुल इसमें अंदर आ गया ना, तो मतलब उस साइज को देखते हुए बनाया जाता है। देखिए ये पॉकेट देखिए आपको इसके अंदर अगर डालते हैं सब तो पुराना मॉडल उसका देखिए पूरा ढक गया ना, ये जो है ये भी दिखावे के लिए नहीं है, इसके अंदर भी अगर पूरा मोबाइल डालेंगे आराम से खैर कैमरे को पास से दिखाई देखिए देखिए इसके अंदर पूरा आ गया, फिर यहाँ चैन हम चाहेंगे तो बंद भी कर लेंगे, मतलब सारा कुछ जैसे जिस तरीके से मार्केट में आपको रहना जो फिनिशिंग एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ फिनिशिंग आप दिखाइए ना हम भाई लोग को, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग आप देखिए सिलाई एक एक करके, कोई कच्चा सिलाई हमारे यहाँ नहीं रहता है। देखिए जो भी कुछ आता है फ्रेश कंडीशन में आता है। हाँ फ्रेश कंडीशन में रहेगा। देखिए ये आपका ML XL का बंडल मिलेगा, कलर की बात करें 5 से 6 कलर चार्ट हमेशा मिलता है। यहाँ पर दिखा दीजिए यहाँ पर सैंपल जो है आप लोग को एक से एक देखने मिलेगा, स्टॉक देख पा रहे हैं बना के, ये इनका जो है पूरा स्टोर एरिया है यहाँ पर, ये सब कुछ बना के स्टोर करते हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है। अच्छा सर हम लोग अगर कोई परचेस करना चाहता है तो कितने कितने पीस का जो परचेसिंग कर सकता है? अगर यहाँ पे आके लेता तो एक बंडल दो बंडल भी ले जा सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर करता तो कम से कम 5-10 हज़ार का तो बजट रहना चाहिए। अच्छा, कहाँ कहाँ तक डिलीवरी कर देंगे? ऑल इंडिया कहीं भी, खास करके जो
पूर्वांचल उसको ज्यादा हम लोग कवर करते हैं, बाकी अगर बाहर करेंगे तो ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजना पड़ेगा, बाकी लोकल में रहेगा तो आराम से चला जाता है। अच्छा अच्छा, और लोअर में और कौन कौन सा जो सैंपल है तैयार करते हैं? जी अब देखिए कुछ हम सैंपल आपको रेंडमली हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे बोला जाता है एनएस का लोअर। अच्छा, ये एनएस का लोअर आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पट्टी आपको देखिए तीन पट्टी में बना हुआ है, कैमरे थोड़ा पास से देखे, देखिए सिलाई जैसा पूरे पक्की सिलाई के साथ मिलेगा। अदर लोग देखते हैं मार्केट में तो सब लोग ये बार्टेक नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बार्टेक की मशीन देखिए यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बार्टेक लगा हुआ। इससे क्या होता है कि पीस में एक अच्छा खासा लुक आ जाता है। और थोड़ा सा हम जल्दी कवर करने की कोशिश कर, थोड़ा समय का अभाव है। देखिए अब देखिए वो फुल पट्टी था, और देखिए ये एनएस में आपको है, देखिए यहाँ पे हाफ पट्टी है, देखिए यहाँ पे, और देखिए इसमें बार्टेक लगा के मिलेगा। ये सारे साइड से आपको जेब मिल जाएगा, लोग एक साइड जेब जाते हैं, हमारे देखिए दोनों साइड जेब आपको मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये एनएस का देखिए आपको खासकर कार्गो मॉडल, ये छोटा बड़ा साइज देखिए अब हमारे सामने जैसा मैं आपको दिखाते चलो। कार्गो मॉडल में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक पॉकेट यहाँ पर रहेगा, दूसरी पॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए देखिए फिर मोहड़ी मिल जाएगी, जैसा चाहेगा कुछ चेंज करना तो चेंज भी हो जाएगा। अब देखते हो मार्केट में कबड्डी किट हो गया या तो क्रिकेट का लोग ड्रेस बना, तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ डिजिटल प्रिंट करके आपको देखने को मिल जाए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फुल प्रिंट इस डिजिटल में बना रहता है, इस तरीके से ड्रेस भी आप बनवा जैसा खाली सैंपल है। अगर आप अपने हिसाब से चाहते गूगल से नेट से हमें कुछ से निकाल के दीजिए, हम बना करके दे देंगे। अभी आगे आपने देखा लक्ष्मी पूजा का टी शर्ट बनते हुए देखा होगा, अभी तो सर वो सब एरिया हम लोग सब कुछ देखेंगे जानेंगे जी। बाकी देख सकते हैं खासकर क्रिकेट का देखेंगे आप, बहुत ज्यादा लोग ऐसा ड्रेस बनवाते हैं, ये फुल डिजिटल प्रिंट है। कुछ लोग समझ में किसी कलर का कपड़ा रहता है, लेकिन नहीं, कपड़ा आपको सीधा व्हाइट सफेद कपड़ा हम लोग फुल डिजिटल प्रिंट करते हैं, और इस प्रिंट की पूरी गारंटी रहती है कि लाइफ टाइम तक प्रिंट नहीं जाएगा। आप हिस्सा निकाल कर दिखाइए, गारंटी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, निकलेगा अच्छा, कपड़ा बिल्कुल नहीं सर। हाँ तो ये डिजिटल प्रिंट है, बाकी पीछे आपके यहाँ पे देखिए इस तरीके से नाम 11 नंबर जो भी लिखवाना चाहते लिखवा लेंगे। चैलेंज मिल जाएगा भैया, 60 में टी शर्ट बना के देंगे आपको, क्वांटिटी हाँ रेडी पीस एकदम क्वालिटी में देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ आपको ये है कि क्वांटिटी अच्छा खासा रहना चाहिए, ऐसे नहीं 5-10 पीस हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन देखिए 60 रुपए ऐसे आपका जो है। अब देखिए ये स्कूल का एड्रेस है, सरकारी स्कूल है, पहले मैं क्लियर कर, सरकारी और प्राइवेट में काफी गैप रहता है, तो जो सरकारी स्कूल का रेट में आप सोअप कर देते हैं 110 रुपया में आपको 24, 26, 28, 30 नंबर का स्वेटर इस तरीके से बन के रेडी मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग खुद बनाते तो उस चीज को हम लोग सस्ते प्राइस में दे सकते हैं, बाकी आप कहीं भी खोजते रहे शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन प्राइवेट का रहेगा, प्राइवेट में थोड़ा सा आपको रेट अप करके मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी का जो पीस है उसमें थोड़ा सा वजन में अंतर प्लस धागे में अंतर। देखिए ये सरकारी का आपको अच्छा अच्छा ये सब 110 रुपए में मिलेगा, 110 रुपए में देखिए। और देखिए प्राइवेट का थोड़ा सा देखिए, जैसे प्राइवेट पीस उठाएंगे देखिए आपको थोड़ा सा एक अलग फिनिशिंग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपको जो स्कूल का लोगो नाम सब कुछ रहेगा सब हम लोग बना करके देंगे आपको, बाहर जाने के भटकने की हमको यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पे चाहिए, हाँ क्रिएट कर दिया जाए। जी जी अच्छा अच्छा जी। अब देखिए ये आपको डॉट नेट फैब्रिक मिलेगा, देखिए थोड़ा सा कैमरे के पास से लेके हल्का हल्का देखिए छिद्र आ रहा होगा, शायद कैमरे को जूम करके दिखाइए आपको पता चल रहा होगा। देखिए जी जी, तो ये डॉट नेट फैब्रिक में इस तरीके से चाहते हैं तब यह मिल जाएगा, देखिए काफी बेहतरीन तरीके से ये सब 100 के आसपास हमारे यहाँ बन करके रेडी मिल जाता है आपको अच्छे कपड़े में। अच्छा, कपड़े में बात करते हैं तो कौन कौन से कपड़े में डिजाइन करते हैं? डिजाइन कपड़ा देखिए कपड़े का नाम लोगों ने तो गिनते गिनते थक जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, अब देखिए जैसे ये है अश्वन मैटी बोलते हैं कुछ लोग, चाइना मैटी बोलते हैं, अश्वन मैटी सही नाम इसका, ठीक है। इस हल्के छिट रहता है, देखिए इस तरीके से टी शर्ट हम लोग 115 रुपए में आपको बना करके दे देंगे, 115 ऑन ऑर्डर पे। अच्छा जी, बाकी स्कूल ड्रेस का देखिए शर्ट आपको देखिए देखने को मिल जाता है, देखिए यानी कि आप कहें टी शर्ट लोवर स्कूल ड्रेस स्पोर्ट्स का या चुनाव का कोई भी अगर हाँ। आप चाहते हैं कोई जी जी। किसी भी चीज को तैयार करें तो ये सब आप लोग को इनके यहाँ सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ पे लोगों भी अपना लगवा सकते हैं। कपड़े की बात करें, कपड़े मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, 2-way हो गया, 4-way हो गया, NH हो गया, शरीना हो गया, माइक्रो हो गया, मैटी हो गया, स्पन मैटी हो गया, पीनेट हो गया, डॉटनेट हो गया, कितना नाम गिना भैया। अच्छा अच्छा हाँ जी जी, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके से ये NS का कार्गो मॉडल प्लस पट्टी भी देखिए मिल जाता है नीचे से, मतलब सब कुछ आपको ऑर्डर पे बेस पे मिलने वाला जी। अब देखते रहिए इस तरीके से, खाली आप लोग को सैंपल दिखाया जा रहा है, सैंपल दिखाया जा रहा है, देखिए जी देखिए इस तरीके से आपको देखिए बच्चों का, हाँ छोटे बच्चों का देखिए काफी बेहतरीन तरीके से सारा कुछ मिल जाता है, ये छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का स्वेटर हो गया। अभी देखिए ठंडी का सीजन आया तो कुछ लोग ब्लेजर बनवाना चाहेंगे तो ब्लेजर भी आपको मिल जाएगा, देखिए इस तरीके से ब्लेजर भी हमारे यहाँ बनाया जाता है, ये इंच के हिसाब से चलता है, 18-19 रुपए इंच के हिसाब से बन के आपको रेडी मिल जाएगा जी जी। बाकी देख सकते हैं जो पीस मैंने आपको खुला इसका एक पीस दिखाया तो वो मिल जाएगा। और देखिए खास करके ये ड्रेस आप बड़ा फेमस देखे होंगे, ये ड्रेस मार्केट बड़ा चलता है, देखिए अच्छा इसका देखिए इस तरीके से कंट्रास्ट हम लोग बनाए, देखिए ये कॉलर है ना, इसका देखिए कॉलर इसलिए क्यों दिया, इसका एक रीजन है जी, देखिए थोड़ा कैमरे के पास से दिखाइएगा उस तरीके से वो पैंट है और यहाँ पे ये शर्ट का कॉलर दिया गया। अच्छा हाँ, तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम लोग बना करके देंगे।
बाकी देखिए शोटर इस तरीके से आपको देखिए बंडल टू बंडल ये हमारा बन करके रेडी हो गया, अभी मार्केट में जाने के लिए रेडी है। ऑर्डर कराने वाला सब ऑर्डर का अपने अपने जगह चला जाएगा ना जी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कैमरे के पास दिखाई गया, देखिए यहाँ पे डबल रेड लाइन है ना, अगर यहाँ पे व्हाइट कराना चाहते व्हाइट हो जाएगा, ट्रिपल लाइन कराना चाहते यानी कि स्वेटर में भी जो डिजाइन है एक से एक कलर कलर हाँ जैसा चाहेंगे। अभी तो फैक्ट्री बनते हुए आपने खुद देखा है ना जी जी, मैनुअली ऑटोमेटिक सब यहाँ पर काम होता है, हाथों से भी किया जाता है, मशीनों द्वारा कराया जाता है। बाकी ये सब सैंपल देख पा रहे हैं यहाँ पर आप सभी लोग को, लोवर में भी कलर देख पा रहे हैं, एक से एक कलर वैरायटी पैटर्न देखने को मिलेगा। खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे मशीन काम करते हैं वर्क करते हैं सब कुछ आप लोग को दिखाया जाएगा। इनका जो पूरा फैक्ट्री आउटलेट देख पा रहे हैं, सैंपल आप लोग को एक से दिखाया जा रहा है। बाकी सर बात करते हैं तो जो हम लोग का लोवर है उसमें की स्टार्टिंग प्राइस कितने से हो जाता है और टी शर्ट में कितने से हो जाता है? टी शर्ट का जैसे मैंने बताया अगर इससे भी सस्ता चाहिए तो हम 50 रुपये टी शर्ट बना के दे देंगे। अच्छा, यानी कि बस क्वालिटी पे जो भी कुछ हाँ, है काम किया जाता है ना। 50 रुपये जैसे इलेक्शन चुनाव वाला टी शर्ट रहता है आपको 50 रुपये मिल जाएगा। बाकी लोवर की बात करें टू वेथ हम लोग बना रहे तो टू वेथ 70-75 रुपये में आराम से बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग जो यहाँ पर सरकारी ड्रेस का मैंने बताना ही भूल गया, सरकारी ड्रेस का हमारे यहाँ शर्ट 60 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, पैंट 60 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप ऐसे ही जो हमारे भाई लोग हैं बहुत लोग चाहते हैं चीपेस्ट पाए बेस्ट परचेसिंग करना, तो आप लोग इनके फैक्ट्री पे विजिट कर सकते हैं, पूरा आउटलेट है जो घूम के देख सकते हैं क्या कैसे है। यहाँ पर हम लोग जो है सैंपल देखे हैं टी शर्ट लोवर स्वेटर वगैरह, एक से एक वैरायटी पैटर्न आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे इनका जो फैक्ट्री आउटलेट है घूमेंगे देखेंगे जानेंगे कैसे क्या होता है, हम लोग का जो स्वेटर वगैरह कैसे बनता है लोअर कैसे बनता है सब कुछ आप सभी लोग को दिखाया गया। बाकी सर और क्या कहना चाहेंगे जो भी आपसे जुड़ना चाहता है? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस जो अगर कुछ भी वैरायटी समझ में आता है, अगर स्कूल ड्रेस वाले हमारे भाई लोग अगर ऑर्डर देना चाहते बेचक दे सकते हैं, एक सेवा का मौका दीजिए, बाकी उसके लिए हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप लोग यही वीडियो हमारा यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं देख रहे हैं फॉलो करिए सपोर्ट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।